ये प्राइस को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आज आप देखोगे कि लगभग आज के प्राइजेस लगभग FI12 को काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर चुके हैं। जो हिस्टोरिकल अपने लेवल्स है 16 या 18 के, जो अपनी कंफर्ट जोन है, वो लगभग उन 12 डिस्काउंट कर चुके हैं, वो टाइम के थोड़ा अहेड है। आई थिंक ये डिस्काउंटिंग नेक्स्ट मार्च तक होती थी तो ज़्यादा अच्छा होता था। अब लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है, वो मार्केट को नीचे जाने नहीं देती है और फंडामेंटल ऊपर के प्राइस को लगभग सस्टेन होने नहीं देगी। तो यहाँ पे हमको ये लग रहा है कि ये स्टेज पे मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, वोलेटाइल रहेगा। यहाँ से हम 4-5% का एप्रिसिएशन भी देखेंगे, एट द सेम टाइम बहुत बार ऐसा भी हम देखेंगे कि मार्केट सडनली रिएक्शन देगा और नीचे में जो रिटेल पार्टिसिपेशन जो एब्सेंट रहा टोटल ईयर फेस में, तो काफ़ी लिक्विडिटी रिटेल साइड से आएगी। काफ़ी लोगों ने ये रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, तो लिक्विडिटी अभी भी काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी स्ट्रांग है। तो हमें लगता है आगे चल के देखो वैल्यूएशन अभी फिलहाल रिच है, बट बहुत सारे कंट्री में हमने देखा हुआ है कि वैल्यूएशन फेयर टू रिच रहती है काफ़ी ईयर्स के लिए। तो ये अगर हम समझे कि यहाँ की जो वैल्यूएशन है वो फेयर है, तो आगे चल के हमारी कॉरपोरेट जो अर्निंग है वो ग्रो होगी अराउंड 16-18%। तो इन्वेस्टर को कम से कम 16-18% का ग्रोथ मिलेगा अगर वो ये रेट पे भी इन्वेस्ट करते हैं। तो एडवाइस रिटेल इन्वेस्टरों के लिए ये रहेगी कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टैगर करो। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से रनअवे रैली देके अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, मार्केट रिएक्ट भी करेगा। जब भी रिएक्शन करे तो आई थिंक रिटेल इन्वेस्टरों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। चलिए, सेंसेक्स जो है 20 पर है,